फिल्म आदि पुरुष अपने रिलीज के साथ ही विवाद में आ गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस फिल्म में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने काम किया है। डायरेक्टर ओम राउत ने 500 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया है। बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा न्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके ओम राउत ने नो डाउट आज की जनरेशन के लिए एक महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर साकार किया है। मगर वो यह समझने में चूक गए कि हम जिस रामायण को देखने सुनने के आदि हैं, उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स में सावधानी बरतना जरूरी है और यही उनकी भूल है। रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम और माँ सीता के वनवास और रावण संग राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जो उत्साह था, उतना मजा फिल्म थिएटर्स में नहीं दे पाई। अभी तक रामायण के जितने भी वर्जन स्क्रीन पर देखे गए हैं, उनमें से सबसे ये अलग है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदि पुरुष की कहानी शुरुआत राम उर्फ राघव, जानकी यानी कि माँ सीता और शेष यानी लक्ष्मण के साथ वनवास से होती है। इससे पहले की सारी कहानी राम जन्म, उनकी माँ, राजा दशरथ का राम के वनवास जाने के बाद विलाप और भरत का अपने भाई के लिए प्रेम, कुछ भी आपको फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलता है। राम के युद्ध जीतने के बाद वापसी को भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म में आधी रामायण की स्टोरी ही दिखाई गई है। तो राजा दशरथ और कैकेयी की एक सीन के अलावा उन्हें नहीं देखा जाता। मंथरा का षड्यंत्र, माँ कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न जैसे किरदार फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने फेमस फिल्म हैरी पॉटर को देखा है तो आपको पता होगा कि दम पिशाच कौन थे। ये लोगों की आत्मा से खुशी खींचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दम पिशाच आदि पुरुष में क्या कर रहे हैं। मेरा भी फिल्म देखते हुए यही सवाल था। फिल्म के सिक्वेंस में राघव को दम पिशाच जैसे दिखने वाले मायावी राक्षसों से लड़ते हुए आप देखेंगे। ये पूरा सीन काफी अजीब है। VFX की बात करें तो अभी आदि पुरुष में VFX का काफी हैवी इस्तेमाल किया गया है। किसी भी जमाने में बिना VFX रामायण जैसी कहानी बनना मुश्किल है, लेकिन 500 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म में VFX भी बहुत कमाल का नहीं है। एक सीन में जानकी के सिर पर पल्लू भी VFX की मदद से डाला हुआ नजर आता है। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो CGI से बने हैं और आप उनके नकली होने को साफ महसूस कर सकते हैं। रावण ने कुबेर के सोने की लंका हत्या ली थी। लंका सोने की थी, ये सभी जानते हैं, लेकिन आदि पुरुष में रावण के लंका को देखकर लगता है कि वो वकांडा में रहता है। ये लंका सोने की नहीं है। लंका में रावण का महल काला है, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी काला है, लंका के अंदर रखा सामान भी काला ही है। यहाँ तक कि अशोक वाटिका भी काले पत्थर से बनी है, जो देखने में बगीचा तो बिल्कुल नहीं लगती। अशोक वाटिका में चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हैं, उसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे उसमें नहीं है। यहाँ तक कि लंका में नदी और तालाब का पानी भी काला ही है। लंका में रहने वाले सभी लोग और रावण काले ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिल्म में इस काली लंका को बताया सोने का ही है। खैर, आदि पुरुष ने कुछ डिटेल्स के साथ भी गड़बड़ की है। रावण के लुक के चर्चे तो लगातार हो ही रहे हैं। अजीब सा हेयर कट वाला रावण देखना भी सभी के लिए अटपटा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अटपटा है उस पुष्पक विमान का, नहीं बल्कि चमगादड़ विमान की सवारी करते देखना। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। जानकी के वनवासी कपड़े का रंग भी अलग है। जानकी अपनी निशानी के तौर पर बजरंग बली को चूड़ामणि नहीं बल्कि चूड़ी देती है। राम सेतु का नाम राम सेतु इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे राम नाम के पत्थरों से बनाया गया था, है ना। ये चीज आदि पुरुष में नहीं दिखाई गई है। फिल्म में राघव नाम लेकर पत्थरों को समुन्द्र के पानी में डाला जाता है, लेकिन उन पत्थरों पर राघव का नाम लिखा नहीं गया। राम सेतु वाली चूक की ही तरह सीता यानी कि जानकी के किरदार के साथ भी एक सीन कंफ्यूज करने वाला है। आदि पुरुष में जानकी राघव की विजय के बाद खुद ही युद्ध भूमि में आकर उनसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सब ठीक हो जाता है। आदि पुरुष के डायलॉग भी अलग ही लेवल के अतरंगी है। रामायण जैसी कहानी में ऐसे डायलॉग डालने का ख्याल मेकर्स को कहां से आया ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेट पर हलचल खूब मची हुई है। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐ तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटे आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। और मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है।
इन तरह के डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद आपकी आंतें ऐंठने लगेंगी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उनका स्वभाव शांत और शीतल था, लेकिन आदि पुरुष के राघव का खून खौलने में 2 मिनट नहीं लगते। राघव के लिए मर्यादा सबसे बड़ी है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वहीं लक्ष्मण के किरदार को शांत दिखाया गया है। चलिए अब थोड़ा कलेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों पहले दिन का कलेक्शन था करीब 86 करोड़ रुपए पूरे देश में। हिंदी से 37 करोड़, तेलुगु से 48 करोड़, मलयालम से 4 लाख और तमिल से 7 लाख और कन्नड़ा में 40 लाख। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन का कलेक्शन है 65 करोड़ रुपए। इसमें हिंदी में 36 करोड़, तेलुगु में 28 करोड़। अब आप देख सकते हैं कि पहले दिन जहां तेलुगु में 48 करोड़ ऑलमोस्ट 50 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, वहीं पर दूसरे दिन यह कलेक्शन 20 करोड़ गिर गया है, जबकि तेलुगु भाषा में प्रभास का स्टारडम चलता है। तीसरे दिन की कलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर 65 करोड़ रुपए ही बताया जा रहा है। तो अगर ऐसी चीज होती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस फिल्म का क्या हश्र होने वाला है। अभी अगर देखें तो इस फिल्म का हाल बहुत बुरा है, बॉक्स ऑफिस पर यह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन नीचे की ओर जाता दिखेगा।